चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारी लास्ट यूनिट जिसका नाम है माइक्रोवेव कम्युनिकेशन। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर दूं पहले एक बार, ठीक है ना? सो दिस इज द स्क्रीन प्रेजेंटेशन। ओके चलिए, तो हेडिंग दो। हेडिंग दीजिए माइक्रोवेव कम्युनिकेशन। ये लास्ट यूनिट है आपकी। इससे पहले एक यूनिट और रहती है जिसका नाम है पैरामेट्रिक एम्पलीफायर। अब वो यूनिट जो है उसको हम सेकेंडरी ऑप्शन में डालते हैं, क्योंकि आपकी सेक्शन बी में ऑलरेडी बहुत यूनिट हो चुकी है। तो एक यूनिट हम लोग पेंडिंग में डाल देंगे। अगर उसको नहीं भी पढ़ोगे तब भी तुम्हारा काम चल जाएगा, बट फिर भी मैं पढ़ाऊंगा। बट अभी नहीं पढ़ाऊंगा उसको, मैं पढ़ाऊंगा जब हमारे बाकी के जो सेफ जोन में हम आ जाएं। सेफ जोन में आने के बाद में हम लोग उसको पढ़ेंगे फिर, है ना? क्योंकि मुझे 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 है ना, एक्चुअली में क्या है, इसके बाद में स्टेटिस्टिकल भी स्टार्ट करनी है। अभी तुम्हारी स्टेटिस्टिकल बच रही है ना। सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर मैंने सेक्शन ए में केवल तुम्हें 2 यूनिट पढ़ाई है, मुझे अभी सॉलिड के अंदर एक यूनिट और पढ़ानी है, दैट इज द स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो वो पढ़ाऊंगा मैं, है ना? तो पहले ये माइक्रोवेव खत्म कर देंगे हम लोग फरवरी फरवरी में, उसके बाद हम लोग सॉलिड पे आ जाएंगे वापस से, है ना? चलिए, इसमें जो एक पहला टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा मैं तुम्हें पढ़ने के लिए बोलूंगा नहीं इस यूनिट में, क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत मैटर हो चुका है पढ़ने के लिए। तो मैंने लास्ट ईयर्स के पेपर स्टडी करके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस छांट के निकाले हैं, मैं केवल वही कराऊंगा जो इस साल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला सवाल है LOS, ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस बार के लिए। इसकी फुल फॉर्म होती है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, देखो माइक्रोवेव कम्युनिकेशन जो यूनिट है तुम्हारी, इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम लोग एंटीना वगैरह की बात करेंगे। जैसे तुम लोग मोबाइल वगैरह यूज करते हो, तो एक मोबाइल फोन से दूसरे मोबाइल फोन में किस प्रकार से आपकी आवाज जाती है, किस प्रकार से वीडियो कॉलिंग होती है, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। हम लोग माइक्रोवेव पढ़ रहे हैं, माइक्रोवेव ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है बेटा, तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की ही बातें यहाँ पर करते हैं धीरे 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 करके, ठीक है ना? तो उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही प्रोपगेशन जो है हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से वो सैटेलाइट जो है वो इस तरह से जाती है, और किस तरह से उसमें कुछ फैक्टर्स काम करते हैं। तो ये सारी बातें जो है हम लोग इस यूनिट में पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो ये चीज है हम लोग जो पढ़ने वाले हैं। उसका जो पहला और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और वो है LOS, लाइन ऑफ साइट। हालांकि इसका डेरिवेशन जो है मैं कराऊंगा आपको, और इसका जो डेरिवेशन है वो अभी तो शायद हम लोग नहीं करेंगे, बट हाँ मैं बाद में जरूर कराऊंगा इसका डेरिवेशन। अभी तो केवल मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझाऊंगा, LOS के बारे में, है ना? ये हमारा इसी इससे पहले LOS पढ़ने से पहले, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको मैं लास्ट में कराऊंगा। इससे भी पहले कुछ टॉपिक है जो मैं आपको, क्वेश्चन है जो मैं आपको कराऊंगा। तो क्वेश्चन ये है, ये 2 बार आ चुका है आपके एग्जाम में, 2017 में और 2018 में। इस यूनिट में से मैं केवल उतना ही पढ़ा रहा हूँ जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या है, इस यूनिट के लिए तुम्हारे लास्ट ईयर्स के पेपर स्टडी किए हैं, और कुछ हाईलाइटेड क्वेश्चंस मुझे मिले हैं तो वो मैं करवा रहा हूँ। जैसे सवाल पहला जो है, पहले टॉपिक से ये सवाल बहुत बार आ चुका है, लास्ट रिसेंटली 17 18 में आया था ये सवाल। एक्सप्लेन LOS माइक्रोवेव कम्युनिकेशन सिस्टम, ये 5 नंबर का सवाल था। एक्सप्लेन एक्सप्लेन LOS माइक्रोवेव कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सवाल देखो 2 बार तो आ चुका है, इसलिए इम्पोर्टेंट कैटेगरी में आता है सवाल, है ना? तो ये थियोरेटिकल सवाल है, आपको समझाते हैं कि LOS क्या होता है, लाइन ऑफ साइट होता है, कम्युनिकेट करना है बेसिकली, तो कुछ सिस्टम काम में आते हैं।
सबसे पहले LOIC काम में आता है। जैसे तुम डब्बा, मोबाइल का डब्बा यूज करते हो ना, तो उसमें जो केवल बातें करते हो, तो बातें ही करने में सिस्टम मिलता है। देखो अब होता क्या है, जैसे मान लो यहाँ आप खड़े हो, यहाँ से आपने फोन लगाया, बेसिक स्ट्रक्चर सबको पता है, बेसिक स्ट्रक्चर सबको पता है कि हमारी बात कैसे होती है किसी दूसरे इंसान से। तो स्ट्रक्चर ये है कि जैसे मान लो आप यहाँ खड़े हो, आपके हाथ में मोबाइल फोन है या फिर लैंडलाइन है, मोबाइल फोन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपके जो एरिया का टावर है, उस टावर के पास वो सिग्नल जाता है। फिर आपके एरिया का टावर जो है ना, उस सिग्नल को ऊपर सेटेलाइट पे कहीं भेजता है। ऊपर का होती है सेटेलाइट होती है, सेटेलाइट से वो सिग्नल उस टावर तक जाता है जिस एरिया में आपको बात करनी है। मान लो जैसे आप लोग जयपुर में हो, जयपुर में आपने फोन लगाया, तो सेटेलाइट जयपुर में मानसरोवर में, मान लीजिए ये टावर लगा हुआ है, तो वहां पर आपका सिग्नल जाएगा, फिर उस टावर से सेटेलाइट के ऊपर जाएगा। सेटेलाइट से आपने मान लो कोलकाता फोन लगाया है, तो कोलकाता में जो टावर है वहां पर वो सिग्नल आएगा, और फिर वो टावर जो है कोलकाता में आपका जो पर्सन है उसके पास सिग्नल ट्रांसफर करेगा। ये पूरी प्रोसेस नॉर्मल सी है सैटेलाइट कम्युनिकेशन की। अब इसमें LOS टेक्निक काम में आती है, वो हम लोग पढ़ेंगे। देखो मोटा मोटा ज्यादा तो आपको पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि ये सब इंजीनियरिंग का पार्ट है, बट फिर भी आपके सिलेबस में है। सो दो सिस्टम, दोज सिस्टम, और ये भी आप लोगों ने देखा होगा, टावर जितना बड़ा होता है ना, सिग्नल उतना ही अच्छा आता है। तभी तो आप लोग छत पे बैठ के हाथ ऊपर करते हो, तो टावर की हाइट पर डिपेंड करता ही है। दो सिस्टम विच हैव, दो सिस्टम विच हैव इनहेरेंट डिसएडवांटेज, इनहेरेंट डिसएडवांटेज इन विच द ट्रांसमिशन डिस्टेंस इन विच द ट्रांसमिशन डिस्टेंस इज डिटरमाइंड बाय द हाइट ऑफ एंटीना, है ना, वही ना, मतलब एंटीना की जो हाइट है उस अकॉर्डिंग आपका सिग्नल भेजा जाएगा। तो हाइट ऑफ एंटीना पे डिपेंड करेगा आपके जो एंटीना, मतलब आपका जो सिग्नल का टावर है, वो टावर के ऊपर डिपेंड करता है वो। द हाइट ऑफ एंटीना अबाउट द अर्थ, अब वो अर्थ पे जो लगा होगा तो अर्थ से कितनी हाइट पे है, अबाउट द अर्थ, अर्थ से कितना ऊपर लगा हुआ है वो, अबाउट द अर्थ इन व्यू ऑल द होरिजन लिमिटेशन, ऑल द होरिजन लिमिटेशन मतलब होती है, जैसे मान लो आपके घर के बाहर चारों तरफ मकान बने हैं बहुत बड़े बड़े, अब उन मकानों के आड़े में आपका सिग्नल जा ही नहीं पाएगा उस टावर तक, तो आपके नेटवर्क कम आएंगे, नेटवर्क कम आएंगे तो सिग्नल लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये होरिजन ऑब्स्टेकल्स कहलाते हैं, होरिजन लिमिटेशंस कहलाती है। तभी तो आप लोग छत पे जाके सिग्नल मैच करते हो कि भाई छत पे टावर आ जाए। तो इंडिया में ये बहुत उल्टा चलता है, आप क्या बोलते हो, छत पे जाके टावर आ जाए, तो टावर कहीं नहीं आता है, टावर तक सिग्नल को भेजना पड़ता है। इंडिया में कुछ बातें हैं जो उल्टी बोली जाती है, जैसे मान लो नल आ गया, तो नल नहीं आता, नल के अंदर पानी आता है। क्या बोलते हो आप लोग कि लाइट आ गई, लाइट नहीं आती, इलेक्ट्रिसिटी आती है, ठीक है। और क्या बोलते हो, दही जमाना है, तो दही नहीं जमता है बेटा, दूध जमता है, ठीक है, वो दही बनता है। तो ये कुछ बातें होती है जो इंडिया में उल्टी बोली जाती है। खैर, तो इसी प्रकार से हम छत पे जाते हैं और सिग्नल मैच करने की कोशिश करते हैं, तो वो इसलिए नहीं मैच होते हैं क्योंकि होरिजन लिमिटेशंस होती है, मकान आड़े आते हैं, दैट्स इट, ठीक है। सो अबाउट द अर्थ इन व्यू और होरिजन लिमिटेशन इज कॉल्ड, इस टेक्निक को बोलते हैं इज कॉल्ड
लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। एलओएस इज अ टाइप ऑफ प्रोपगेशन। अब इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं मैं। लाइन ऑफ साइट इज अ टाइप ऑफ प्रोपगेशन दैट कैन ट्रांसमिट and receive data, that can transmit and receive data only where transmitter and receiver obstacle and receiver station are in view are in view of each other ये तो आपको समझ में आ गया होगा without any obstacle without any obstacle without any obstacle between them ठीक है, समझ में आ गया। सुनो, ये चीज तो तुम्हें समझ आएगी कि एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर होता है ना। और ट्रांसमीटर और रिसीवर स्टेशन वो आपका टावर है। जैसे आपने मोबाइल फोन लगाया कलकत्ता, तो मानसरोवर का जो टावर है वो तो ट्रांसमीटर कहलाता है, और जो कलकत्ता का टावर है ना वो रिसीवर कहलाता है। लाइन ऑफ साइट एक ऐसी टेक्निक है जो ट्रांसमीटर से रिसीवर तक का सिग्नल जो है वो बिना ऑब्स्टेकल के भेजता है, अगर ऑब्स्टेकल नहीं है। वैसे रास्ते में तो बहुत सारे ऑब्स्टेकल आते हैं, बादल वादल सब आ जाते हैं, बट फिर भी इस टेक्निक से हम बिना ऑब्स्टेकल के दोनों के बीच में एकदम एक व्यू ले सकते हैं। ये व्यू कहलाता है कि आपका सिग्नल यहां से गया सैटेलाइट पे और ये व्यू करता हुआ यहाँ पहुंच गया कलकत्ता, तो ये व्यू करने वाला सिग्नल जो ये इस तरह से कहलाता है, आपका बेसिकली टेक्निक कहलाती है, जिसे बोलते हैं एलओएस टेक्निक। ठीक है ना, बिना ऑब्स्टेकल के भेजते हैं। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल है इस टेक्निक से जो कम्युनिकेशन होता है उसमें। पहला एग्जांपल है एफएम रेडियो। जो आप लोग एफएम रेडियो सुनते हो ना, एफएम रेडियो इसी टेक्निक का एग्जांपल है। हालांकि तुम जो बातें करते हो वो सारी बातें तो सैटेलाइट के थ्रू होती है, एफएम रेडियो एक टेक्निक से जो तुम रेडियो सुनते हो ना वो इसी टेक्निक का उदाहरण है। एंड सैटेलाइट ट्रांसमिशन, जो तुम मोबाइल में बातें करते हो वो भी सैटेलाइट ट्रांसमिशन, ये भी एलओएस टेक्निक का ही एक एग्जांपल है ट्रांसमिशन, क्योंकि इसी टेक्निक से तुम लोग बातें करते हो। आर एग्जाम्पल ऑफ एलओएस। ठीक है, सो इन एलओएस माइक्रोवेव देखो आपको एक चीज दिखाते हैं। इन एलओएस अब एक डायग्राम दिखाता हूं मैं आपको इस टेक्निक में, जो आपको थोड़ा सा क्लियर कर देगा।
मान लो ये तुम्हारी अर्थ सरफेस है। एक मोटा मोटा डायग्राम बताता हूँ मैं आपको। ये टावर है, एंटीना जहाँ से सिग्नल होता है ट्रांसमिट, है ना। और ये तुम्हारा ये टावर लगा हुआ है होरिजन, और एक ये है होरिजन, ये सिग्नल ट्रांसमिट। ठीक है, अभी समझाते हैं आपको सब। एक डिस्टेंस है ये आपका, मतलब ये आप खुद खड़े हो, ये जो ये ओरिजन है जहां से आप बातें करना चाहते हो, ये क्या होता है, ऑप्टिकल ओरिजन। इसे हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल ओरिजन। और जहां आप खड़े हो वहां से ऑप्टिकल ओरिजन की डिस्टेंस क्या है, इसको डी नोड बोल देते हैं। और ऑप्टिकल होरिजन से ये कहलाता है रेडियो होरिजन, इसे बोलते हैं रेडियो होरिजन। ऑप्टिकल होरिजन और रेडियो होरिजन की डिस्टेंस डी आर है। एच जो है वो हाइट ऑफ द एंटीना टावर कहलाती है, एच जो है इसकी हाइट है। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल, बहुत नॉर्मल सा डायग्राम बनाया मैंने, तो बहुत नॉर्मल सा डायग्राम, इसमें ओपी डायग्राम बनते हैं वैसे। ठीक है, हाँ लिखा इन एलओएस माइक्रोवेव कम्युनिकेशन टेक्निक, इन एलओएस माइक्रोवेव कम्युनिकेशन टेक्निक द ऑप्टिकल होरिजन एंड रेडियो होरिजन, द ऑप्टिकल होरिजन एंड रेडियो होरिजन। एंड रेडियो होरिजन शोन इन डायग्राम, शोन इन डायग्राम दिख रहा है आपको डायग्राम में, इन विच ऑप्टिकल होरिजन, इन विच ऑप्टिकल होरिजन एंड इन विच ऑप्टिकल होरिजन बियॉन्ड द रेडियो होरिजन, बियॉन्ड द रेडियो होरिजन एंड डिस्टेंस फॉर द एंड डिस्टेंस फॉर द रेडियो, फॉर द रेडियो एंड ऑप्टिकल होरिजन एंड ऑप्टिकल होरिजन गिवन बाय, तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। इसका डेरिवेशन मैं करवाऊंगा बट बाद में, अभी नहीं, अभी तो आप दे बस फॉर्मूला दे दो। रेडियो होरिजन जो होता है उसकी डिस्टेंस होती है 0.49 एंड द हाइट ऑफ द एंटीना। ऑप्टिकल होरिजन की डिस्टेंस जो होती है वो होती है 0.46 एंड द हाइट ऑफ द एंटीना। तो इनसे ये डिस्टेंसेस कहलाती है, ऑप्टिकल की और रेडियो होरिजन की डिस्टेंस कहलाती है। ठीक है, ये सब करेंगे पंडित राय, पर अभी नहीं करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक्चुअली भी, ये जो फॉर्मूला है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पर ठीक है अभी इसको। ये डी आर आपने गलत लिख दिया एक्चुअली में, एक्चुअली यहाँ जो डी आर है ना, ये डी आर डिस्टेंस कहलाती है रेडियो होरिजन की, अपने रेफरेंस पॉइंट से।
और रेफरेंस पॉइंट्स है ऑप्टिकल होरिजन की डिस्टेंस डी ओ कहलाती है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन होती है एक और दो। अब इस चीज को हम बाद में करेंगे सोल्व, अभी तो करेंगे नहीं, अभी तो आप बस एक मोटा मोटा आइडिया ले लो और यहाँ पे लिख लो नीचे डी ओ क्या है। डी आर इज द डिस्टेंस टू द ऑप्टिकल होरिजन, डिस्टेंस टू द ऑप्टिकल होरिजन इन किलोमीटर। डीओ इज द डिस्टेंस, सॉरी ये डीओ था, ये डीओ था, ओ फॉर ऑप्टिकल, आर फॉर रेडियो, ओ फॉर ऑप्टिकल आर फॉर रेडियो। तो ये क्या है, डिस्टेंस टू द रेडियो होरिजन इन किलोमीटर। एच इज द हाइट ऑफ द एंटीना, एच इज द हाइट ऑफ द एंटीना टावर। अब एंटीना टावर ऑब्वियस सी बात है किलोमीटर में तो होगा नहीं, आप लोगों ने सड़क के किनारे मोबाइल टावर लगे हुए देखे हैं ना, क्या उन मोबाइल टावर की हाइट किलोमीटर में होती है? नहीं, वो मीटर में होती है बेटा। तो ये किलोमीटर में होते हैं, ये मीटर में होते हैं। तो आपने भी सुना होगा कि यार उस टावर की रेंज 2 किलोमीटर तक है, उस टावर की रेंज 5 किलोमीटर तक है, तो टावर की भी एक रेंज होती है, और वो रेंज जो है ना वो डी कहलाती है, दैट इज द डी। ठीक है ना। सो इफ वी डिफाइन अ माइक्रोवेव बेंडिंग करेक्शन, इसमें एक फैक्टर आता है, ये सब चीजें आपको डिराइव करवाई जाएगी, डोंट वरी, बस इंतजार करो उस क्षण का जब मैं ये डिराइव कराऊंगा। और याद रखना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है एलओएस कम्युनिकेशन का, है ना। अभी तो केवल मैंने 5 नंबर के हिसाब से तुम्हें लिखवाया है, एक सवाल करवाऊंगा मैं, इसका डेरिवेशन होता है वो 20 नंबर वाला होता है, कभी कभार 15 नंबर में भी आता है वो, तो वो वाला काम मैं एंड में करवाऊंगा, अभी नहीं करवाऊंगा। ठीक है ना, अभी तो बस ये तुम्हें आइडिया दे दिया मैंने मोटा मोटा कि एलओएस कम्युनिकेशन जो है वो होता क्या है, उसके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो एक इसमें हम लोग डिराइव करेंगे माइक्रोवेव बेंडिंग करेक्शन, उसको के बोलते हैं। तो व्हाट इज द के, सो के जो होता है ना रेशो होता है किसका, डी ओ का डी आर से, ये एक रेशो होता है। ठीक है ना, जब दोनों की वैल्यू पुट कर दोगे, डी ओ की वैल्यू पुट कर दोगे और डी आर का वैल्यू पुट कर दोगे, तो ये आपको देगा 0.9 अपॉन अंडर रूट एच। ठीक है, ये यही आपके सवाल भी आता है कभी कभार कि इसकी वैल्यू कितनी होती है ना। इफ के इज ग्रेटर देन 1, देन द रेडियो होरिजन नियर द ऑप्टिकल, नियर देन द ऑप्टिकल होरिजन, देन द रेडियो होरिजन नियर देन द ऑप्टिकल होरिजन। और इफ के लेस देन 1, देन द रेडियो होरिजन फार देन द, ये नियर था तो ये फार हो जाएगा, फार देन द ऑप्टिकल होरिजन। दैट्स इट। तो ये इसकी रिजल्ट होते हैं जो हम निकालते हैं। सो द हाइट ऑफ माइक्रोवेव टावर सो द हाइट ऑफ
माइक्रोवेव टावर should be such that the radio beam should not be the radio beam just hold down just wait the radio beam should not be should not be such that the radio beam should not be affected by the affected by the external source of atmosphere external source of atmosphere the earth bulge मतलब उभरा हुआ पृथ्वी का उभरा हुआ part the अर्थ बल्ज इसका मतलब होता है पृथ्वी का उभरा हुआ पार्ट विच क्योंकि आपने टावर खड़ा किया है तो मान लो धरती अगर थोड़ी सी ऊंची उठी हुई है तो टावर की हाइट उतनी कम हो जाएगी सो विच एड टू द हाइट तो वो हाइट में एड की हुई है ना जबकि वो हाइट टावर की नहीं है वो अर्थ की हाइट है आप जैसे मान लो आपने छत पे टावर खड़ा कर दिया मान लो तो छत की जो ऊंचाई है मतलब जो मकान की ऊंचाई है वो भी तो काउंट होगी टावर की ऊंचाई में जैसे फॉर एग्जांपल आपने धरती पर खड़ा किया है टावर और वो आसमान में 100 मीटर तक ऊपर जा रहा है और मान लो आपने 50 मीटर का मकान खड़ा कर दिया और 50 मीटर का उसके ऊपर टावर खड़ा कर दिया तब भी टावर की हाइट 50 मीटर नहीं मानी जाएगी उसे 100 मीटर हाइट का टावर ही कहा जाएगा भले ही आपने 50 मीटर का मकान ले लिया और 50 का टावर ले लिया तो वो कुल मिला के 100 मीटर ऊंचा टावर माना जाएगा तो एक ही बात है तो वो अर्थ का उभरा हुआ पार्ट भी उसको ऐड कर देंगे हम लोग विच ऐड टू द हाइट ऑफ द ऑब्स्टेकल ऑफ द ऑब्स्टेकल कैन बी कैलकुलेटेड एज ये भी कैलकुलेट करवाया जाएगा बाद में can be calculated as HEB is equal to 0.76 D1 D2 here HEB is equal to height increased due to earth bulge height increase due to earth bulge की वजह से जो height increase हुई है वो है ये बजे नहीं को इसको due to earth bulge D1 is the distance between one microwave tower distance between जो पहला microwave tower है one microwave
टावर और किसके बीच में, एंड ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल के बीच में, और ये नापी जाती है किलोमीटर में। छोटी मोटी नहीं होती है, बहुत लंबी लंबी होती है, 50 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, क्योंकि आप टावर खड़ा करोगे तो ये तो है नहीं कि केवल 2 किलोमीटर के एरिया ही आप कवर करोगे। टावर खड़ा किया जाता है कि आसपास का पूरा गांव मोबाइल पे बात कर पाए, तो वो जो टावर होता है ना वो किलोमीटर्स में एरिया कवर करता है, डिस्टेंस बिटवीन। ये तो पहला टावर था और ये D2 कहलाएगी अनादर टावर, डिस्टेंस बिटवीन अनादर माइक्रोवेव टावर एंड ऑब्स्टेकल। तो ये एक इंफॉर्मेशन थी LOS कम्युनिकेशन के बारे में। इन शॉर्ट मैंने आपको सब कुछ लिखा दिया, क्यों लिखाया, क्योंकि ये 5 नंबर का सवाल था, हालांकि ये सब डिराइव करवाया जाएगा जब 20 नंबर का सवाल आएगा, ठीक है, तो वो हम लास्ट में करेंगे। और इसके बाद जो अगला सवाल है वो हम कल करेंगे। कि भैया एक और सवाल तुम्हारे एग्जाम में आया था डक्ट प्रोपोगेशन का, ये भी बहुत बार आ चुका है, 5-5 नंबर में आता है सवाल, तो ये मैं तुम्हें कल करवाऊंगा बेटा, आज इतना ही करते अपने ना।